तो वीडियो का टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा। तो इस बार जो कैंपिंग थी वो सोलो नहीं, दो लोग की थी। तो नॉन सोलो करने के लिए चाहिए होते बंदे। तो फ़ोन उठाया और दोस्त को मैसेज किया, एक का वर्किंग था और दूसरे को ठंड ज़्यादा लगी थी, और एंड में सिर्फ राजी हुआ सिर्फ पवन। साइकिल से जा रहा हूँ पांडे के घर, लेट हो गया यार, वो चिल्लाएगा। आ गया आराम को। अरे बैग उसको ला तो। उसके बाद दोनों ने बैग उठाया, बस पकड़ी और पहुंच गए पहाड़ पे। अब यहाँ पहुंच तो गए हैं, अब टेम्परेचर जीरो के नीचे है, कहीं ऑडियो ख़राब ना हो जाए गोप्रो की। और जिसका डर था वही हुआ, गोप्रो क्रैश हो गया। और ठंड तो ऊपर इतनी थी कि पानी डालते ही वो बर्फ़ बन जा रहा था। तो बस से उतरने के बाद हमने पैरों में बांधे घुंघरू, सर पे बांधा कफन और निकल गया हाइकिंग पे। सब पहाड़ से उतर रहे हैं, हम चढ़ रहे हैं। थोड़ा सा रह गया फिर कैंप लगाना वाला, अंधेरे में दिक्कत होती है कैंप लगाने में। पवन भी पीछे आ रहा है। पांडे वो रहा दूर, अब तो दिख भी नहीं रहा कैमरे में। साढ़े तीन बजे तक चेक इन था और 3:20 हो रहा है, भाग भाग के चेक इन करना है। पवन पीछे रह गया, मैं जाके चेक इन करता हूँ। आज पांडे साहब पता नहीं कहाँ निकल गए यार। हाँ वो आगे टेंट की जगह आगे वहीं होगा। हाय, तो एक जने के 500 है ना बस। देख ना तू खाली बैठा क्या करेगा, टेंट ही लगा दे इतने, मैं बारह फटाता हूँ। खाना बना, टेंट लगा, इसमें मैं आता हूँ, टॉयलेट है आपका, रिलैक्स हल्का हो जाऊँगा। तब तक पांडी खाली बैठा है ये, कोई काम नहीं है इस पर। आ जा मसाज भी करता हूँ, टेंट वेंट लगा सकता है अगर चाहे तो, बर्नर बर्नर जला के पहले यहाँ खड़ा खड़ा। यहाँ पर सारे जमा हुआ है, इसको क्लियर करना है वरना सोते टाइम सोया नहीं जाएगा। आज रात टेम्परेचर कुछ -10 जाएगा। मैं तो पहले कर चुका हूँ अगर, और पवन पे पूरा सामान नहीं है, और अगर उसको जरा भी ठंडी हो मुझे गाली देगा। चावल यहाँ पर पानी भी भर गया था बर्नर के पास, ये नीचे तो ये जम गया बर्फ से, अब ये हिल नहीं रहा। लात शाबाश, बढ़िया बढ़िया, 56 भोग। शाम को 6 बजे इतनी ठंड पड़ गई थी कि सारा पानी जम गया था पीने वाला। कैंप से निकलने का मन ही नहीं कर रहा। ये ओलिव ऑयल जम चुका है क्योंकि ये एक्स्ट्रा वर्जिन है। इसे खोल नहीं सकते, इसे खोल नहीं सकते। रिलैक्स बैठा एकदम, ये टेंट का सीन, टेंट के सीन कुछ ऐसे हैं। क्या करेंगे ना? रात तो गाना सुनते सुनते कट गई, लेकिन अगले दिन सुबह ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो सारा जम गया बाहर,
सब जम गया है। पवन सो रहा है अभी, सोचा तो सुबह उठ के कॉफी बनाऊंगा लेकिन सब जमा हुआ है। वो रहा टेंट हमारा। सुबह टेम्परेचर इतना कम हो गया था कि कहीं पे भी पानी डालो वो 2 सेकंड के अंदर बर्फ बन जा रहा था। ये भी जम गया। फिर किसी तरह हिम्मत करके कॉफी ऑफी बनाई, ठंडी जाने का नाम नहीं ले रही थी और पवन उठने को राजी नहीं था। हेलो, हाँ हो गया, उठो। एक इंसान को मैक्सिमम जितनी ठंड लग सकती है ना, उतनी शायद मुझे लग रही है इस टाइम। लौटने के लिए सारा सामान लपेटा, घुंघरू पहने और चल दिया नीचे की ओर। अरे बहुत दूर है अभी तो, ये थक रहा है लड़का, दम नहीं बचा इसमें। अब नमकीन सा है। अरे मतलब बहुत प्योर। अभी ऐसा कैमरा करो ऊपर के मुंह उतरा।